नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में जिसका नाम है ऑनलाइन सेलिंग टिप्स। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं SKU कोड्स के बारे में। अगर आप कोई प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है SKU कोड। आज उसी के बारे में बात करेंगे दोस्तों, चलिए देखते हैं। दोस्तों सबसे पहले अगर आप कुछ भी कैटेगरी को सिलेक्ट कर रहे हैं, आप उसका माल ले आए, सपोज कीजिए आपने क्लोथिंग का कैटेगरी चूज करी एंड देन आपने क्लोथिंग की टी शर्ट्स, मेन्स टी शर्ट्स, वुमेन टी शर्ट सब ले आया। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि मेरे पास चार अलग तरह के टी शर्ट्स हैं, अब मैं उसको डिफ्रेंशिएट कैसे करूँगा, रेड ब्लू ग्रीन येलो, उसके लिए इम्पॉर्टेंट होता है SKU कोड। SKU कोड इसीलिए बहुत ज़रूरी होता है कि वो हर एक प्रोडक्ट को और उसके कलर को डिफ्रेंशिएट करता है। तो सपोज कीजिए दोस्तों, मेरे पास अभी चार तरह की रिमोट कार है, RC001, RC002, RC003 एंड RC004। इसकी मैंने SKU कोड डाल दी। अब मुझे पता कैसे चलेगा कि RC001 और RC004 कैसे है? सेम, एक पहले तो कलर्स है, वो अलग अलग कलर है। कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाती है कि ये वाला ये है एंड देन RC001 RC004 है, तो कैसे कन्फ्यूजन दूर होगी? आप दूसरा प्रोडक्ट पे मार्कर से लिख भी सकते हैं, छोटा सा वो आप लिख सकते हैं। तीसरा, अगर आप जो डेस्कटॉप पे लिस्टिंग कर रहे हैं, डेस्कटॉप से या लैपटॉप से लिस्टिंग कर रहे हैं, उसकी इमेजेस आप एक फोल्डर में सेव करते हैं, वो इमेजेस को SKU कोड्स के नाम से सेव करें, तो आपके लिए आसानी रहेगी। अगर आपको कोई प्रोडक्ट लगेगा कि ये स्टॉक में नहीं है, पर इसका तो स्टॉक था मेरे पास, तो आप सर्च कर सकते हो कौन सा स्टॉक में नहीं है एंड वो पीस कहाँ शॉर्ट हुआ है। अब इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं दोस्तों, उसके बारे में हम पहले जान लेते हैं कि इस अगर हम SKU कोड लगा रहे हैं तो उसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। तो पहला बेनिफिट है, तो जब आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है ना दोस्तों, प्रोडक्ट 001 002 आउट ऑफ स्टॉक हो गए, हमारे पास बचे हैं 3 और 4। अब हमारे पास ये दो स्टॉक में बचे हैं, पता कैसे चलेगा दोस्तों? वो SKU कोड से पता चलेगा कि यार हमारे पास सेम कलर की चार गाड़ियां हैं पर वो दो कलर खत्म हो गए, तो उसको आउट ऑफ स्टॉक करना है टाइम से। अगर उसका ऑर्डर लग गया तो हमारे ऊपर पेनल्टी लग जाएगी, ठीक है दोस्तों। दूसरा डिफरेंस होता है कि अलग कलर कस्टमर ऑर्डर करता है दोस्तों, मींस एक कलर होता है, जैसे सिल्वर कलर कस्टमर एक ऑर्डर करता है और उसी को ही ऑर्डर करता है, लेकिन उसमें 6 कलर और हैं, रेड ब्लू ग्रीन रेड, उसको नहीं करता, तो सिर्फ सिल्वर कलर करता है सपोज कीजिए, तो हमारे पास उस कलर का भी स्टॉक रहना चाहिए। क्योंकि अगर एक आप माल मंगवाते हैं या स्टॉक मंगवाते हैं तो उसमें एक कार्टून में 6 कलर मिक्स आते हैं, वो भी नहीं दे पाता एक कलर, तो उसको भी आप चेक करते हुए चलिएगा, जिससे SKU कोड बहुत मदद करेगा। थर्ड इसका है, यूनिक ID कोड मिल जाता है एक पर्टिकुलर आइटम को। क्योंकि अगर आपको कोई प्रोडक्ट सर्च करना है, यार इसकी ना सेल कम हो गई है, मेरे को सर्च करना है कैसे करूँगा, आप नाम तो नहीं टाइप करेंगे वहाँ पे, उसके तो नाम भी अगर कुछ बड़े बड़े होते तो पूरा नाम लिखने बैठ जाएंगे, नहीं तो उसका आप SKU कोड डाल देंगे, वो सबसे इजी रहता है। एंड लास्ट सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, जब अगर कस्टमर ऑर्डर करता है, कस्टमर ने वो वापसी करवा दिया प्रोडक्ट कि मुझे नहीं पसंद आया, मुझे अच्छा नहीं लगा ये वाला प्रोडक्ट, तो आप उसका क्लेम कर सकते हैं कि मेरे को ये कलर मैंने भेजा था, मेरे पास दूसरा कलर आया है, सपोज कीजिए रॉन्ग प्रोडक्ट अगर आपके पास आया है तो मेरे पास ये प्रोडक्ट आया है, तो आप उसका क्लेम इनिशिएट कीजिए। ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट करती है, जब भी अगर आप SKU कोड रखते हैं तो आपको पता चल जाएगा इस स्टॉक का ये माल नहीं आया वापसी, तो उसका मुझे क्लेम करना है, ठीक है दोस्तों। कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में, सपोर्ट दीजिए दिखाइएगा ज़रूर, और वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों, ऑनलाइन सेलिंग टिप्स।